द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए समझते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी है और उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो सबसे पहले है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन मीन्स होता है कि एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में मॉडिफाई करना, उनमें चेंजिंग करना, उसी को क्या कहते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब पुरानी जनरेशन को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसमें नवीनता लाना, उसमें चेंजिंग लाना, उसी को हम क्या कहते हैं जनरेशन, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है कि फर्स्ट जनरेशन, मतलब पांच जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरी जो जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था ट्रांजिस्टर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह से होता है। जो तीसरी जनरेशन थी उसमें आईसी का इस्तेमाल होता था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, जो हमारे कंपोनेंट होते थे, बहुत सारे कंपोनेंट होते थे, तो उन सारे कंपोनेंट को एक चिप में कन्वर्ट किया जाता था। और जैसे बहुत सारा कंपोनेंट हम बहुत सारे लगाते हैं तो उनको हम एक चिप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो वो चिप के अंदर सारे कंपोनेंट होते थे, तो दैट इज कॉल्ड आईसी। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में होता है VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी का ही मॉडिफाई रूप है, यानी आईसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपकी फोर्थ जनरेशन बनती है। उसके बाद जो है फिफ्थ जनरेशन, जो लेटेस्ट चल भी रही है और उसमें जो यूज होता है उसमें यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या माइक्रो प्रोसेसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो रोबोटिक फॉर्म में काम करता है, यानी रोबोट के रूप में। रोबोट क्या होता है कि हम उसमें डाटा फीड करते हैं और वो जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस फॉर्म पे काम करता है। तो आई होप कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर समझ में आया होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। We'll be right back.